तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कीपैड में नंबर रो ऐड है, यानी कि मर्ज है। और ऊपर की ओर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमोजी रो भी ऐड है, यानी कि मेरे कीबोर्ड से मर्ज है। और यहाँ पे हम नीचे जो स्पेस बार है, यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा हुआ है, इस पे हम देर तक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक चेंज कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज भी ऐड है, यानी कि हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कीबोर्ड में कुछ इस तरह का और भी ढेर सारा फंक्शन है, जिससे मेरा कीबोर्ड स्मार्ट और स्टाइलिश हो जाता है और हम कुछ भी फटाफट टाइप कर सकते हैं या फिर बहुत जल्द ही एक क्लिक में वो सारा ऑप्शन लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, आपका अगर कीबोर्ड की बात करें तो आपका कीबोर्ड कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे सिर्फ इतना शो हो रहा होगा और बीच वाला ये चीज़ शो हो रहा होगा, यहाँ पे नंबर रो और इमोजी रो शो नहीं हो रहा होगा। तो अगर आप अपने कीबोर्ड में नंबर रो, इमोजी रो ऐड करना चाहते हैं, इसके साथ साथ ही कीबोर्ड से रिलेटेड और भी ढेर सारे फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं और अपने कीबोर्ड को स्मार्ट और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो ये सब का वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जैसे आप स्पेस बार पे जो इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे देर तक टैप करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे इंग्लिश और फिर हिंदी, यहाँ पे मेरा ऐड है। यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप और भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप अपना देखिएगा तो आपके पास में अगर हिंदी लैंग्वेज वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो उसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप ऐड कैसे करेंगे, और इसके फुल सेटिंग्स के बारे में बताने वाले हैं कि आपको क्या सेटिंग्स ऑन रखना चाहिए, क्या ऑफ रखना चाहिए और आप इसका बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबी हो, लेकिन इसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने कीपैड को ऑन कर लेना है, यानी कि आपको अपने कीपैड के पास आ जाना है। आने के बाद आपके कीपैड में कुछ अगर टाइप होगा तो आपको उस टाइपिंग को स्कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हटा लेना है। ठीक है, हटाने के बाद आप देखेंगे कि आपके कीपैड में यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस बीच में आपको कहीं पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, ज़्यादातर लोगों के पास ऑटोमेटिक जीबोर्ड कीबोर्ड सेलेक्ट होता है, यानी कि वही जीबोर्ड कीबोर्ड का सेटिंग्स का पूरा फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें टॉप में आपको यहाँ पे लैंग्वेजेज का ऑप्शन दिखेगा और आपको आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको फिर उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश इंडिया के साथ साथ हिंदी भारत भी ऐड है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपने कीबोर्ड के पास लेके जाते हैं और यहाँ पे हम देर तक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश में रहने देते हैं और यहाँ पे आपको कुछ टाइप करके दिखाते हैं, जैसे कि आप किसी को मैसेज करते हैं, आप कैसे हो। ठीक है, हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख लिए और अब हम यहाँ पे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में टाइप कर लिए, हिंदी में चाहे तो हिंदी में टाइप कर लिए, ये कितना बढ़िया होगा। और बहुत लोग ये चाहते होंगे लेकिन उनको ये वीडियोज़ नहीं मिल पाता है, सेटिंग्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो ये चीज़ मॉडिफाई करके अपने कीबोर्ड में नहीं रखते हैं। तो इसके बारे में अब डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आप इसे ऑन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम अपने, या फिर आप अपने सेटिंग्स में जा करके आप ऐसे भी देख सकते हैं, मेरा रियलमी X2 फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है। फिर हम एडिशनल सेटिंग्स में गए और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, यहाँ पे हम क्लिक किए और फिर नीचे एवाल्व कीबोर्ड्स वाले ऑप्शन में जीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किए तो हम वापस वहीं पे जीबोर्ड वाले सेटिंग्स फुल सेटिंग्स के पास आ गए हैं। अब हम चलिए लैंग्वेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम ऊपर पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम जो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट है इसे हम रिमूव कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे फिर कीपैड कुछ इस तरह का है और फिर यहाँ पे स्पेस बार वर्क नहीं करेगा क्योंकि अदर लैंग्वेज ऐड नहीं है। तो फिलहाल देखिए कुछ इस तरह का है, हिंदी वाला ऑप्शन हट गया है।
हम यहाँ पे वापस आएंगे। अब आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, और भी लैंग्वेजेज ऐड होगा, तो आप जिसे चाहेंगे उसे रख सकते हैं और जो आपको बेकार लगे उसे हटा सकते हैं। और अगर आप कुछ लैंग्वेजेज ऐड करना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना है कि ऐड कीवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ढेर सारे लैंग्वेज का आ जाएगा, तो अगर आपको किसी का ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं हिंदी भारत सबसे टॉप में, उसके बाद इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट नहीं करना है, आपको हिंदी भारत सेलेक्ट करना है। हिंदी भारत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ए बी सी हिंदी, यानी कि आप ए बी सी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे टाइप करेंगे और हिंदी में टाइप होते चला जाएगा। तो सबसे बेस्ट तो यही है जो पहले से डिकॉड लगा हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें कि ना नहीं हमको सिर्फ हिंदी यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे चाहे तो इसे हटा सकते हैं और चाहे तो दोनों का रख सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हिंदी वाला ऑप्शन हटा दें, ए बी सी टू हिंदी यहाँ पर रखें। अब नीचे एक ऑप्शन है लैंग्वेज सेटिंग्स का, मल्टीलिंगुअल टाइपिंग ऑटोमेटिकली डिस्प्ले वर्ड सजेशंस व्हाइल यू टाइप विद, यानी कि जैसे ही हम टाइप करेंगे कि आप कहाँ हो, तो जैसे के ए यानी का ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक सजेस्ट हो जाएगा कि कहाँ, तो आप वो सजेस्ट आपको कर देगा, जिससे आपको आसानी होगा टाइप करने में। तो आप इसे ऑन करके रखें, ठीक है। ऑन करने के बाद यहाँ पे पहले से ये इंग्लिश इंडिया जो है इस पे टिकॉट होगा, तो इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये आपको टिकॉट रहने देना चाहिए कि नहीं। आपको इसके बारे में बताते हैं कि इससे आपको प्रॉफिट है या लॉस है। तो चलिए अभी हम डन पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश इंडिया टिकॉट है। हम इस पे डन पे भी क्लिक कर देते हैं। अब चलिए हम अपने कीपैड में चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक बार हम बैक हो जाते हैं, शायद सेटिंग्स नहीं हुआ है यहाँ पे। हम अब देखिए अब सेटिंग्स हो गया है। यहाँ पे हम फिर से टाइप करते हैं आप कैसे हो, यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया। अब हम चलिए यहाँ पे स्पेस बार पे देर तक क्लिक करके ये ए बी सी हिंदी वाला ऑप्शन क्लिक कर लिए। अब हम हिंदी में लिखना चाहते हैं आप कैसे हो, तो लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ यहाँ पे फॉल्ट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा आप कैसे हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश ही हो गया, हिंदी तो आया ही नहीं। यहाँ पे नीचे सजेस्ट कर रहा था कि आप कैसे हो, यहाँ पे आप हमें यहाँ पे टाइप करना होगा तो अब जाके, तो यहाँ पे देरी होगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताते हैं कि आप इंग्लिश में टाइप करेंगे और हिंदी में आना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वापस वो लैंग्वेज वाले सेटिंग्स में चले जाना है, और वहाँ पे हिंदी वाले ऑप्शन ए बी सी हिंदी जो था उसमें आ जाना है, और इंग्लिश जो इंडिया पे यहाँ पे टिकॉट है आपको इसे हटा देना है। हटा देने के बाद आपको बैक हो जाना है, या फिर आपको अपने कीवर्ड के पास चले जाना है। चलिए एक बार हम बैक हो जाते हैं और फिर से यहाँ पे आते हैं। अब देखिए अब हिंदी का ऑप्शन जो है मैंने पहले से सिलेक्ट है और सिलेक्ट कर रखा है। अब हम टाइप करते हैं आप कैसे हो, यहाँ पे आप कैसे हो, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही हो गया। तो इसका मतलब आपको हिंदी वाले ऑप्शन में जो यहाँ पे मल्टी लिंगुअल टाइपिंग था, ये आपको ये तो ऑन ऑन फिर से कर देना है, लेकिन ये टिकॉट वाला जो ऑप्शन है ये आपको हटा देना है। तो चलिए इतना हम फिर से यहाँ पे एक बार टाइपिंग करके देखते हैं कहाँ जा रहे हो। देखिए ये बिल्कुल सही हो गया। बस आपको समझाने के लिए ये बार बार यहाँ पे मैं टाइप करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके, तो ये उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा जो डिटेल्स में जानना चाहते हैं, ठीक है। अब हम चलिए इसके बारे में कुछ और भी बताएंगे कि दोस्तों यहाँ पे जब हम लैंग्वेजेज वाला सेटिंग्स हम कर लेते हैं, इसके बाद हम बैक होते हैं। आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पे आप ऐड कीवर्ड करके यहाँ पे आप चाहें तो जैसे कि आप मराठी बंगाली जो भी है ये सब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उतना काम का नहीं है, आप दिमाग लगाइए। अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ता है तो फिर ऐड करके आप यूज कर सकते हैं। अभी हम बैक हो जाते हैं, और लैंग्वेजेस के नीचे आपको प्रीफ्रेंसेस का ऑप्शन मिल जाता है सेकंड में, तो यहाँ पे भी इससे रिलेटेड कुछ काम का चीज़ है इसलिए हम आ गए हैं। यहाँ पे हम प्रीफ्रेंसेस पे चले जाते हैं। यहाँ पे नंबर रो के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप अगर चाहें तो आपका अभी ऑफ है तो आप ऑन कर सकते हैं, जिससे नंबर रो 1 2 3 से लेकर के 0 तक आपके कीवर्ड में ऐड हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, वो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है
ये दो ऑप्शन है, ठीक है, 100 इमोजी स्विच की और 100 लैंग्वेज स्विच की। चलिए सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं, हम बैक हो जाते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई एक ही लैंग्वेज यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी हम डिलीट कर देते हैं। तब आप देखेंगे कि प्रेफरेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे जो दो ऑप्शन दे रहा था वो एक ऑप्शन हट गया है और एक ही ऑप्शन 100 इमेजी स्विच की बच गया है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, ज़्यादा लैंग्वेज अगर ऐड होगा तो फिर जा करके ये वहाँ पे ऑप्शन शो होने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं, मैंने वो लैंग्वेज ऐड कर लिया है इसलिए दो ऑप्शन आ गया, और इन दोनों ऑप्शनों के बारे में आपको अच्छे से बताने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे है शो इमोजी स्विच की, ये अभी ऑफ है, ठीक है। चलिए अब नीचे है शो लैंग्वेज स्विच की, तो ये वाला ऑन है। तो आपको बताते हैं कि अगर ये वाला ऑप्शन ऑन है तो इसका क्या मतलब है। यहाँ पे हम इसका ऑप्शन के बारे में बताने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए हम कीपैड के पास चले आते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो आप स्पेस के बगल में जो वर्ल्ड जैसा आइकॉन देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी हो जाएगा, लैंग्वेज सेलेक्ट हो गया है, ठीक ना। और यहाँ पे हम फिर से अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर इंग्लिश में आ गया है, यानी कि वन टैप में आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ये ऑन कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब हम इसे ऑन कर लेते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या चेंजेस आया है। तो आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो वर्ल्ड जैसा जो आइकॉन था स्पेस के बगल में वो हट जाएगा और इमोजी का ऑप्शन आ गया है। अब आप यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब इमोजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं, तो इमोजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इमोजी का आ जाएगा, यानी कि आपको जैसे अच्छा लगे। आप अगर इमोजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इमोजी वाला बटन अवेलेबल रखना चाहते हैं, तो फिर शो इमोजी स्विच की ऑन वाला ऑप्शन ऑन रहने दीजिए। और अगर आप लैंग्वेज को एक बार में चेंज करना चाहते हैं वन टैप में, तो शो लैंग्वेज स्विच की वाला ऑप्शन आपको ऑन रहने देना है। तो हमें तो यही वेस्ट लगता है, इसलिए हम ऐसे ही यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने जीबोर्ड कीबोर्ड के सेटिंग्स में आप यहाँ पे अपना लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और भी अगर आप चाहें तो अदर लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, और अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टाइप करने में बेनिफिट उठा सकते हैं और अपने कीबोर्ड को स्मार्ट और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर कीबोर्ड से रिलेटेड या फिर अदर क्वेरीज कुछ हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।